Hello, assalamu alaikum, what's up my YouTube family? This is your boy Samabat, back again with another vlog. तो जी गाइस, मैं अब आया हूँ छत के ऊपर और छत पे तो इस टाइम ऐसी है ना, हवा चल रही है और गुड़िया चली हुई है। आप देख सकते हैं मौसम जो सा बड़ा कमाल किस्म का हुआ है। ठीक है, शावर लेकर मैं ऊपर छत पर आ गया हूँ। सीधा बालों को मेरा एलोवेरा जेल लगाई है, कैसा लग रहा हूँ मैं बताए हर रात है। शावर लेकर मैं सीधा ऊपर आ गया, ऊपर से हवा भी चल रही है तो लाइट भी गई हुई है कसम से। और कल जो सा ना, कल इतना इन्होंने तंग किया हुआ था कि पूरे पाकिस्तान की लाइट गई हुई थी। तकरीबन को आफ्टर 20 आवर्स या 15 आवर्स के बाद लाइट आई है। ठीक है, तो इतना कसम से इन्होंने तंग किया हुआ है हुकूमत ने हमें, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को। इनको शर्म नहीं आ रही है जरा सी भी, इतनी सी भी होती है ना, इतनी सी भी वो भी नहीं आ रही। तो इतने ये बेशरम हो चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तान को, मतलब कि पाकिस्तान को ऐसे जैसे समझा ही नहीं हुआ कुछ, पाकिस्तानी अवाम को कुछ समझा ही नहीं हुआ। तो इनको जो सारा फटाफट से भगाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा, जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो सारे पीटीआई को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। 4:45 का टाइम है, शाम का टाइम है। ठीक है, तो नाश्ता वगैरह भी अभी करना है, तो शावर वगैरह लेकर मैं अभी निकला था। मामा होगा मुझे नाश्ता बना रहे, और हाँ याद आया कि मामा की भी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैंने उनको फिर बार बार फोर्स नहीं किया कि नहीं मुझे नाश्ता बना कर दें। उन्होंने कहा कि जो खाना पकेगा वही अब खाना। मैंने कहा ओके, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनीवेज आपको ये भी बताना है कि सुबह मैं सोया हुआ था। ठीक है, तकरीबन को 10 से 11 बजे का टाइम था, तो मुझे कॉल आई है एक अननोन नंबर से। तो मुझे कहते हैं कि सरमद बर्ड शॉ बात कर रहे हैं। मैं यस, हुक्म करें। मैं नींद में था, मुझे कहते हैं भाई आपका ऑर्डर है। मैंने कहा कौन सा ऑर्डर है मेरा? कहते हैं यार आपने ऑर्डर किया हुआ था एक। मैंने कहा भाई हुक्म तो करें, कौन सा ऑर्डर किया हुआ था? मैं नींद में था, मुझे खुद नहीं था यार कौन सा ऑर्डर है। अच्छा कहते यार आपकी वो बच्चे को जुआ जो देने वाली ये उस तरह की कोई चीज है। मैंने कहा वो अच्छा बाउंसर है, वो भी आगे से बच्चे को झूला देने वाली। मैं कहा हाँ मेरा ऑर्डर है। कहता भाई क्या पर डिलीवर करना? मैं कहा यार इधर डिलीवर करना है, ये मेरा एड्रेस है। कहता ओके। तो मैं कहा कितने बजे तक कर देंगे आप? कहता भाई ये एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। मैंने कहा ओके, मुझे कॉल कर लेना। और मैं इंतजार करते करते मेरी फिर आंख लग गई, मैं फिर सो गया। तो जी मेरी आंख खुली तकरीबन 2 से 3 बजे। ठीक है, तो उसको मैंने एड्रेस समझा दिया हुआ था, तो वो मेरे एड्रेस पर पहुंच गया हुआ था। तो बाबा ने जो है ना, वो मेरे बाबा ने माशाल्लाह से वो बाउंसर रिसीव कर लिया आगे से। ठीक है, उसकी पेमेंट वगैरह भी कर दी और मैं लेट उठा। ठीक है, तो बाबा ने उस सब बाउंसर जो भी पीस से पार्ट्स बने हुए थे सब कुछ जोड़ के मर्ज करके, तो वो बाउंसर तैयार होनी थी, तो बाबा ने माशाल्लाह से कर दी। मैंने कहा बाबा ये क्या किया, अभी मैंने ब्लॉग बनाना था, आपने बाउंसर सारी जोड़ दिया। तो एनीवेज मैं आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है बाउंसर, और कितनी मतलब अच्छी मजेदार किस्म की बनी हुई है। तो बेबी को भी उसके अंदर लटाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसी लगती है। तो चलते हैं नीचे और देख। ओए ओ कोई तो छह काम कर लो, ये कोई तो छह काम कर लो। एनीवेज टाइम जो सर 5 बज रहे हैं, तो चलते हैं नीचे जाके देखते हैं खाना शाना क्या पका हुआ है, और आपको बेबी बाउंसर भी दिखाए, और देखते हैं लेट अस सी हाउ इट गोस। काफी ठंड है यार, वो आ जा रही है, और मैंने जस्ट शर्ट पहनी हुई है नीचे और ऊपर ये पतली सी पफर जैकेट, तो ऊपर से मैं शावर भी लिया हुआ है। तो चलते हैं नीचे। वेट 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 गाइस, मैं आपको एक बंदा दिखाऊं। ठीक है, टाइम 5 बज रहे हैं और वो अभी तक सोया हुआ है। ये देखे, ये देखे गाइस, शाबाश गाइस, रिमेम्बर पिस्ती कुत्ती। सोया हुआ बेचारा, जॉब करता है ना, तो जॉब से वापस आया तो थक कर सो गया। अच्छा ओए तेनू खिची पैनी है मेरे को, मेरे पास भी है गुड्डी पर डोड़नी है। हवा तेज है बहुत, ये नीचे वाले को खिची पड़ती है, मार लेगा? कहता नहीं। वैनी में गाइस चलते हैं नीचे, अब जाके देखते हैं क्या सीन है क्या प्लान। A few inches later. So guys, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
ये है वो बाउंसर माशाल्लाह बेबी की। ओह माय गॉड, वाओ। और इसके आपको मैं फीचर्स बताता हूँ, ये देखें, ये इधर से ऑन ऑफ होती है, ठीक है, ये इसका म्यूजिक बटन है, इसको दबाएंगे आप, माशाल्लाह म्यूजिक स्टार्ट हो गया इसका, ये भी स्विंग मोड पे लगी हुई है, तो इसको आप दबाएंगे इसके म्यूजिक चेंज होते रहेंगे, मैंने कि फिर दूसरा लग गया, और साथ में ये स्विंग के लिए, ये अभी ऑफ हो गया स्विंग, देख सकते हैं आप, ये देखें स्टक हो गया, अब आप इसको फिर दबाएंगे तो ये स्पीड वाइज आप मतलब जो सी स्पीड आपने रखनी है, ठीक है ना, के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है, ये देखिए, मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, मैं फिर पुश करूंगा, फिर भर जाएगी, अब फिर दबाऊंगा तो स्पीड भर गई है, और इससे ज्यादा भी है और इससे भी ज्यादा, ये देखें ये फास्ट है सबसे, और ये टाइमर है, ठीक है, कि कितने टाइम तक आपने स्विंग रखनी है, हम कहते हैं कि जी 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 25, 40, इस तरह टाइमिंग है इसकी, ठीक है, और ये वॉल्यूम के लिए बटन है, आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये ज्यादा हो गया, और ये ऑफ हो गया, वॉल्यूम को दबाते जाएंगे, ऑफ करना होगा आप ऑफ कर लें, ऑन करना आप ऑन करें, ये देखें ये म्यूजिक चेंज कर दिया हमने, तो ये है जी, ये जाली नेट जाली लगी हुई है आगे, इससे ये है कि बेबी आपको मतलब बेबी कंफर्टेबल होकर सोएगा, ना उसको मच्छर ना मक्खी को इस तरह की बीज तंग नहीं करेगी, बेबी रिलैक्स होकर लेटेगी। अब इसको हम पीछे करते हैं, ये पीछे हट जाती है ऐसे, ये देखें साथ में दो बालो टैप लगाए हुए हैं ऊपर कि बेबी इनको देख के खुश होता रहे, साथ में ये दो पिलोस दिए हुए हैं इन्होंने कंफर्टेबल के लिए कि बेबी कंफर्टेबल रहे, साथ में ये इन्होंने छोटा सा अंदर सॉफ्ट बेड दिया था, और ये है वो बेल्ट जिसको आप बेबी अंदर डाल के ऐसे इजीली बेबी मूवमेंट ना हो, बेबी की बेबी गिरे ना है, उसके लिए उन्होंने रखा हुआ ये, तो ये आप देख सकते हैं ये सारा एंगल नीचे बना हुआ है, तो ये सारा पार्ट्स जो उसने बाबा ने जोड़े थे पहले, ये सब A to Z सारा कुछ जोड़ा गया है, तो कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताना आपने, मुझे तो काफी अच्छी लगी है, जैसे मैंने देखा मैंने उससे ज्यादा बेहतर पाया उसको, काफी कंफर्टेबल है, काफी अच्छी बनी हुई है, ठीक है, काफी यूनिक है, कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा, तो इसके लिए ये इन्होंने ये बट ये नीचे आप देख रहे होंगे ये चीज रखी हुई है, ये जो स्विंग हो रही है आप इसको पुश करेंगे, ये देखें आपकी ये स्विंग लॉक हो गई है, ठीक है, अगर आपने बेबी को उठाना है लटाना है तो इसके लिए आप इसको मतलब कि आप दबाएंगे इसको पुश करेंगे स्विंग से रुक जाएगी, दोबारा आप इसको ऑन कर सकेंगे ऊपर करेंगे स्विंग आपकी ऑन हो जाएगी, ये देखा दिस इज कॉल्ड बेबी बाउंसर मस्टेला बाउंसर, देख सकते हैं आप ब्रांड, सो मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है, तो अभी बेबी जो है वो इधर नहीं है, वो दूसरे रूम में अपनी मामा के पास, फीड का टाइम था, तो एनीवे हम इसको बंद करते हैं, अब ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबाएंगे हम, ये ऑफ हो गई, तो ये इसके अंदर दो ऑप्शन है, सेल के साथ भी चलेगी, ठीक है, और इसको हम चार्जर के साथ भी चला सकते हैं, इसमें ये देखिए जैसे कि मेरा चार्जर लगा हुआ है, तो इसको USB इसके साथ मिली थी हमें, वो नीचे USB कनेक्ट होती है इसके, और ये USB की वायर चार्जर के अंदर लगा कर तो इसको चार्जिंग के साथ मतलब अडाप्टर के साथ भी इसको चला सकते हैं, और सेल के साथ भी ये चल सकती है, तो एनीवेज गाइस ये थी जी बाउंसर, काफी अच्छी मजेदार, मुझे बहुत पसंद आई है, हमारे पैसे पूरे हो गए, अच्छा
कहीं जगह पर ये बहुत महंगी लगी हुई है 20,000 की, ठीक है 20 अबव की है, और हमें माशाल्लाह से मिली है जी 14,700 समथिंग की, 15,000 हो गया टोटल। आए मजे। जान पहचान आपकी भाई की बहुत है, इसीलिए यू नो इस तरह की चीजें हम आपसे ढूंढ लेते होते हैं प्रॉपर अच्छी कीमत के ऊपर, नहीं तो कई जगह पर ये तो 25,000 तक लगी हुई है, 27,000 तक लगी हुई है, और हमने 15,000 में मंगवा लिया है ना, फिर आपके भाई की पहचान। तो एनीवे गाइस किचन में चलते हैं, अब जाके देखते हैं क्या पका है, बड़ी भूख लगी हुई है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो चले आए चलते हैं। 12 seconds later। तो एनीवे गाइस किचन में मैं आ चुका हूँ, कसम से बहुत भूखी लगी हुई है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ मैंने, और ना खाने में बने हैं जी व्हाइट चावल है, साथ में ये किया है जी, ओए होए होए ये तो मुझे शोरबा लग रहा है चिकन का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ताजा ताजा गरम गरम बना है, ठीक है, तो मैं फटाफट से जो है ना उनको खाने लगा, कसम से बुरी भूख लगी हुई है, नाश्ता तक नहीं किया हुआ है। तो एनीवे गाइस ये था जी एक छोटा सा व्लॉग जो कि आपको मैं बताना था कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह बाउंसर मुझे आ गई है, रिसीव हो गई है बेबी बाउंसर, हमारी बेबी जो सी अब कम्फर्टेबल हो गई, इसके ऊपर लेटी करेगी, तो अभी तो नहीं मैं आपको दिखा सकता क्योंकि अभी बेबी अंदर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर जरूर दिखाऊंगा जब भी बेबी लेटेगी इसके ऊपर, तो व्लॉग के अंदर मैं जरूर वो डालूंगा। ओके तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मस्त करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने यहाँ से नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, ऐसे ना किया करो यार, सब्सक्राइब करके जाया करो और भाई को सपोर्ट करो, शेयर कर दियो, जागो किधर रह गए यार, नहीं मिल रहा था आपको, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मस्त करना, चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना, ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब मस्त करना आप सब में, पीस।